बिसेन ने देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल पहुंचकर सम्मान कर धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जमीनी कार्य और प्रतिवेदन को सर्वोच्च न्यायालय ने महत्व दिया, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गौरीशंकर बिसेन आयोग के नाम से पहचाना जाएगा। बिसेन ने कहा कि हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए संकल्पित थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला दिया है। तमाम अध्ययन के बाद यह पाया गया कि मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी आबादी है। आयोग ने 6 बिंदुओं के आधार पर सिफारिशें की थी। इनमें प्रमुख बिंदु था कि ओबीसी वर्ग को 35% आरक्षण दिया जाए। इस फैसले की खबर लगते ही भाजपा के खेमे में खुशी है। गुरुवार सुबह गौरीशंकर बिसेन भोपाल से गोंदिया पहुंचे, जिनका समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बताया गया कि बिसेन सुबह 9:30 बजे और 5 बजे नगर बालाघाट नगर मुख्यालय में अलग अलग स्थान पर सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। दोपहर 3 बजे सर्किट हाउस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर पत्रकार वार्ता लेंगे। तो ये था आपका अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ। जय हिंद, जय भारत।